हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। सो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम टॉप 10 इंडिया की जो सेफेस्ट कार है उनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और उनकी कितनी रेटिंग है। एक्चुअली जो ग्लोबल NCAP में रेटिंग लेके आती हैं गाड़ियाँ, तो हम उनको मतलब एज्यूम करते हैं कि सेफेस्ट कार हैं, और उसमें किस गाड़ी को कितनी रेटिंग मिली हुई है, चाइल्ड सेफ्टी में कितनी रेटिंग मिली हुई है, ऑक्यूपेंट सेफ्टी कितनी है कौन सी गाड़ी की। तो हम आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेंथ नंबर पर है रेनो की डस्टर, जिसको एडल्ट में 3 स्टार मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और जो उसकी ऑक्यूपेंट सेफ्टी है एडल्ट की वो है 9 out of 17, और चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो चाइल्ड में भी इसको 3 स्टार मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और जो ऑक्यूपेंट सेफ्टी है वो है 17.75 out of 49। अब बात करते हैं 9th नंबर की। तो 9th नंबर पर है फोर्ड एस्पायर सेडन कार है, और इसको भी एडल्ट सेफ्टी में जो पॉइंट मिले हुए हैं, स्टार मिले हुए हैं, वो मिले हैं 3 out of 5, और अगर ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें तो वो एडल्ट में इसको मिली हुई है 10.49 out of 17। चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो चाइल्ड सेफ्टी में इसको 2 स्टार मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो वो मिली हुई है 14.22 out of 49। 8th नंबर की बात करते हैं तो 8th नंबर पर है मारुति सुजुकी की एर्टिगा। मारुति एर्टिगा को जो एडल्ट में स्टार मिले हुए हैं वो है 3 out of 5, और अगर ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें एडल्ट की तो वो है 9.25 out of 17। वहीं चाइल्ड सेफ्टी में भी इसको 3 स्टार मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो वो है 25.16 out of 49। अब हम बात करते हैं 7th नंबर पर। तो 7th नंबर पर भी मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा है, जिसको 4 स्टार मिले हुए हैं आउट ऑफ 5 एडल्ट सेफ्टी में, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 12.51 out of 17 मिले हुए हैं, और चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो चाइल्ड सेफ्टी में इसको 2 स्टार मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें चाइल्ड की तो वो है 17.93 out of 49। अब हम बात करते हैं 6th नंबर की। 6th नंबर पर है 2 गाड़ियां हैं, टाटा की टियागो एंड टाटा की ही टिगोर, दोनों को सेम रेटिंग मिली हुई है बिल्कुल। तो इनको मिले हुए हैं 4 star out of 5, और अगर इनकी बात करते हैं हम ऑक्यूपेंट सेफ्टी की तो वो है 12.52 out of 17। चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो 3 star out of 5 है, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी चाइल्ड में इसकी है 34.15 out of 49। 5th नंबर की बात करते हैं तो फॉक्स वैगन की पोलो, जिसको एडल्ट में स्टार मिले हुए हैं 4 out of 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी है 12.54 out of 17। अगर हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करते हैं तो 3 स्टार इसको मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी इसकी है 29.91 out of 49। 4th नंबर पर महिंद्रा की मराजो है, जिसको 4 स्टार मिले हुए हैं एडल्ट सेफ्टी में आउट ऑफ 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी इसकी 12.85 out of 17 है। वहीं पे इसको चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी 22.22 out of 49 है। 3rd नंबर की बात करते हैं तो 3rd नंबर पर है टाटा की नेक्सन, जो पहली कार बनी थी इंडिया की जिसने 5 स्टार रेटिंग ली थी एडल्ट में, और इसकी ऑक्यूपेंट सेफ्टी है 16.06 out of 17। चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो 3 स्टार इसको मिले हुए हैं आउट ऑफ 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी है 25 out of 49। 2nd नंबर की बात करें तो 2nd नंबर पर टाटा एल्ट्रोज है, जिसको 5 स्टार मिले हुए हैं एडल्ट सेफ्टी में, ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें तो 16.13 out of 17 इसको मिले हुए हैं पॉइंट। वहीं पे अगर इसकी चाइल्ड सेफ्टी की बात करते हैं तो वो है 3 star out of 5, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी 29 out of 49 है।
फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर है महिंद्रा की XUV 300, जिसको 5 स्टार मिले हुए हैं एडल्ट सेफ्टी में आउट ऑफ 5, और अगर ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो वो है 16.42 आउट ऑफ 17। चाइल्ड सेफ्टी की बात करते हैं तो चाइल्ड सेफ्टी में इसको मिले हुए हैं 4 स्टार आउट ऑफ 5, और इसकी अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेंट सेफ्टी की तो वो है 37.44 आउट ऑफ 49। सो गाइज, ये थी टॉप 10 सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया, लाइक जिनको ग्लोबल NCAP में सबसे अच्छी रेटिंग मिली हुई है इंडिया के अंदर, और हम मानते भी हैं और काफ़ी एक्सीडेंट ये चीज़ बताते भी हैं कि हाँ वाकई में इन गाड़ियों की सेफ्टी बहुत अच्छी है। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।